सो दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे आर्मीज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि BTS डिसबैंड होने वाली है। सो अब जैसे कि आर्मीज़ ने देखा कि BTS के आंखों में आंसू आ रहे थे, जैसे कि वो यूट्यूब के अपने ऑफिशियल चैनल पर लाइव आए थे, वहाँ पर वो रो पड़े थे कि उन्हें सोलो करियर स्टार्ट करना चाहिए। तो उनके आँख में आंसू देखते ही आर्मीज़ ने उन्हें DM करना, मैसेज करना शुरू कर दिया और ये बहुत ही बड़ा इमोशनल कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई। सो BTS के मेम्बर्स को भी ये लगा कि उन्हें आकर यानी सामने खुद आकर इसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाले और आर्मीज़ को आर्मीज़ का डाउट या कंक्लूजन क्लियर कर दे। सो BTS के यंगेस्ट मेम्बर गोल्डन मांग ने, जंगकुक, साथ ही साथ वी और RM ने यानी लीडर RM ने इस सारे के सारे जो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उसका हमें रिप्लाई देते हुए कहा। सो दोस्तों, अगर हम बात करें गोल्डन मांग ने यानी जंगकुक, तो लाइव आए थे और उन्होंने इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बातें की, आर्मीज का डाउट क्लियर किए। उसके बाद RM ने तो ये तक कह दिया कि BTS का यानी जब से उनकी जर्नी शुरू हुई है तो उन्हें पहली बार इतने सारे DM मैसेजेस आए हैं और उन्हें इन सब का सामना करना पड़ा है। और उन्होंने ये कहा कि BTS कभी भी जल्दी डिसबैंड नहीं होने वाली है, ये तो जर्नी बहुत ही लंबी तक उन्हें तय करनी है। साथ ही साथ बस वो अपने सोलो करियर पर ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे, बल्कि और बाकी BTS तो डिसबैंड नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ वी ने भी कहा कि BTS डिसबैंड नहीं होने वाला, उन्हें इस जर्नी को आगे तक लेकर जाना है और BTS को तो और लंबा सफ़र तय करना है, मगर BTS के सारे मेंबर्स अपना सोलो करियर पर ध्यान देना चाहेंगे। और उन्होंने ये तक कहा कि शायद आर्मी इसमें हमें सपोर्ट करेंगी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा BTS के मेंबर्स का ये रिप्लाई देकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।